गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव कलेक्शन का हम नाम देते हैं जैसे अब लोगों की एक जगह भीड़ इकट्ठी हो गई तो भीड़ क्या है लोगों की भीड़ तो भीड़ हमने उस कलेक्शन का नाम दे दिया okay? Similarly, हाथियों का झुंड जा रहा भाई हाथियों का ग्रुप नहीं बो, बोलते हैं के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं झुंड गुलदस्ता इस तरीके से इन सब का एक कलेक्टिव नाउन देते हैं है हम कि जब सब चीजें एक जब एक जैसी चीज एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो उनका एक स्पेशल नाम देते हैं तो टुडे तो तो वी विल लर्न व्हाट द ईच ग्रुप इज कॉल्ड फर्स्ट वन इज अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स ग्रुप ऑफ एलिफेंट को बेटा हम क्या बोलते हैं यू कैन मैच हेयर आई एक्सरसाइज वी आर डूइंग अ डूंग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड वेट लेट मी ड्रॉ फॉर यू अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड हर्ड ऑफ एलिफेंट माय ड्राइंग इज नॉट गुड बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस ओके नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम कल्चर अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम कल्चर भाई क्या बोलते हैं जब एक ही कल्चर के लोग एक जगह होते हैं तो क्या बोलते हैं ये ट्राइब है कहते हैं ना यहाँ एक ही जैसे लोग रहते हैं ट्राइब दिस इज कॉल्ड ट्राइब अ कलेक्शन ऑफ गुड्स अ कलेक्शन ऑफ गुड्स सामान इकट्ठा होना होटल इन ए होटल तो व्हाट शुड वी कॉल अगर रूम्स अ सेट ऑफ रूम्स इन ए होटल भाई होटल के अंदर बहुत सारे रूम्स का जो सेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं वेट फॉर ए मिनट लेट मी एट दिस इज कॉल्ड सूट अ सेट ऑफ रूम्स इन अ होटल इज कॉल्ड सॉरी हम इसको यहां से मैच करेंगे ओके okay. सेट ऑफ रूम इज ओके नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड इन चर्च भाई जब लोग चर्च के अंदर इकट्ठा होते हैं जैसे मंदिर में इकट्ठे होते हैं तो हम कहते हैं ना श्रद्धालु तो जब चर्च में इकट्ठे हो जाते हैं तब उनको हम क्या बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन ओके दिस इज कॉल्ड congregation okay now next is a group of soldiers by group of soldiers is called regiment this is called group of soldier is called regiment group of stars you have studied in science also group of stars is called constellation group of people group of people is called crowd कि भाई बहुत क्राउड हो गया है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इन अ गेम ढूंढे चलो लेट्स सी कि ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इन अ गेम इज कॉल्ड वेर टीम यस यस अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इन अ गेम इज कॉल्ड टीम ये तो सबको पता होगा ओके नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स यस अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड बिवाई

दैट इज कॉल्ड कमिटी दिस इज अवर मैच द कॉलम तो यू विल हैव टू लर्न दिस नेम्स ऑफ द ग्रुप्स की अगर ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स है तो दिस इज कॉल्ड हर्ड ग्रुप ऑफ पीपल इन द सेम कल्चर है तो दिस इज कॉल्ड ट्राइब ओके यू विल हैव टू लर्न इट नाउ नेक्स्ट इज रीअरेंज द लेटर्स इन ब्रैकेट टू मेक कलेक्टिव नाउन एंड यूज दैम टू फिल इन द ब्लैंक ओके भाई हमें इसे रीअरेंज करके लिखना है द टूर एंड ट्रेवल एजेंसी हैज अ डैश ऑफ कार्स भाई कार्स के ग्रुप को हम बोलते हैं सॉरी बेटा यहाँ ड्राॅइंग होगी कार्स के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लीट ओके तो यू कैन रीअरेंज दिस लेटर्स एफ एल डबल ई टी नेक्स्ट इज रोनिका वाज लुकिंग फॉर डैश ऑफ कीज भाई कीज के ग्रुप को बोलते हैं बंच बंच ऑफ कीज बी यू एन सी एच नेक्स्ट इज मैनी पीपल फ्राम द डैश रश टू हेल्प द मैन एज ई लेव एज ए फेल ऑफ हिज बाईसिकल भाई ये हमें पता है मैनी पीपल फ्राम द क्राउड दिस इज क्राउड द मंकीज़ इन ए डैश ऑफ ट्रीज भाई ट्रीज ट्रीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम कैन यू फील कि ट्रीज़ को ट्रीज़ के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं क्लम्प सी एल यू एम पी दिस इज क्लम्प सी एल यू एम पी डैश ऑफ माउंटेन्स भाई माउंटेन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं रेंज ऑफ माउंटेन्स आर ए एन जे ई रेंज ऑफ माउंटेन्स वनो आई वु गिव फर में एक फ्लॉर देना पसंद करूंगा फ्लार पोर्ट देन अफ फ्लार्स बुके ऑफ फ्लाराई बुके देने से अच्छा मैं फ्लार देना पसंद करूँगा टू ग्रैंड मदर ऑन हर सिक्सटीथ बर्थडे उनके साठवें वर्षगांठ पर A dash of wolves was howling in the forest last night. भाई एक wolves wolves के group को क्या बोलते हैं pack pack of wolves P A C K. A dash of birds भाई birds के group का भी मैंने बताया था आपको flock of birds बोलते हैं और bevy भी बोलते हैं हमने इससे पहले वाली exercise में bevy bevy uh, study किया था. Every night a dash of musicians plays the plays at the restaurant भाई ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को क्या बोलते हैं बैंड बैंड ऑफ अ डैश ऑफ लोकस्ट लोकस्ट के ग्रुप को क्या बोलते हैं स्वाम एस डब्ल्यू ए आर एम स्वाम ऑफ लोकर क्रॉप ऑन द फार्म लास्ट समर टिड्डियों का दल जिसे बोलते हैं ओके नाउ दिस इज अवर लास्ट एक्सरसाइज इंसर्ट ए एन और दीडियड जहाँ पे आपको फील होता है कि ए एन या द आना चाहिए वहां पे फील्ड करना हमें नहीं तो हमें क्रॉस कर देना है देर इज़ अ फॉक्स इन आर गार्डन आई एम स्केयर टू गो आउटसाइड ये इट दिस इज ऑलरेडी डन फॉर यू ग्लीम ऑफ डीलाइट लिटअप रवि आईज एट द साइट ऑफ न्यू शर्ट जैसे ही रवि को नई शर्ट दिखी उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी आ गई तो क्या आना चाहिए अ ग्लीम ऑफ लाइट तो वी शुड मेक अ स्लैश हेयर और यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए आ क्स्ट इज़ ऐश्वर्या वॉन्ट्स टू लर्न सालसा डू यू नो ऑफ अ गुड डांस स्कूल नियर बाई डू यू नो ऑफ अ डू यू नो ऑफ अ गुड डांस स्कूल यस तो आप यहाँ पे स्लैश डाल देंगे डू यू नो ऑफ इसकी जगह क्या लिखेंगे अ आई हैव सिस्टर शी इज फोर इयर्स ओल्ड भाई आई हैव अस्टर मेरी मेरे पास एक बहन है मेरी एक बहन हैज़ एनी वन ब्रॉड अलार्म क्लॉक हु विल वे अपट फाइव ओ क्लॉक इन मॉर्निंग इन द मॉर्निंग एवरी वन नोज कि यहाँ पर क्या आना चाहिए द विच बुक वुड यू लाइक टू बोरोस्ट द डायरी ऑफ द विम्पी किट और इैगन भाई इसमें क्या आना चाहिए विच बुक वुड यू लाइक टू बोरोस्ट द डायरी ऑफ बिम्पी मुझे तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं लग रही तो हम इसमें यहाँ पर क्रॉस कर देंगे ओके नेक्स्ट इज हंग सेंट्स की वॉन नोबल प्राइज फॉर पीस इन नाइनटीन नाइन्टी वन भाई जब हम किसी स्पेशल प्राइज़ की बात करते हैं ना बेटा तो उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं द तो यहाँ पे क्या आना चाहिए द दिस टेस्ट विल लास्ट फॉर आर प्लीज़ लीव योर सेल फोन्स आउटसाइड ये टेस्ट एक घंटे तक का है तो अपने सेल फोन्स बाहर रख दें तो एर्थ में क्या लिखना चाहिए भाई आर से पहले हमें पता क्या यूज़ करते हैं हम एन

the so this chapter is complete we will uh, complete the next topic in our next video i hope this is clear